नमस्कार। वेब दुनिया के इस खास चुनावी कवरेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सुबह से हम लोग आपके साथ हैं और आपको इस नए माध्यम पर फेसबुक लाइव के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम सभी के लिए बहुत दिलचस्पी का सबब बन गए थे, सब जानना चाह रहे थे कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी हटेगी। उसमें सुबह 9:15 बजे के आसपास हमने जो रुझान जो संकेत देखे थे उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन यह आया है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो जीत दिखाई दे रही थी वो महाजीत, महाविजय और सुनामी में तब्दील होती चली गई। उसमें आंकड़े जुड़ते ही चले गए। उत्तराखंड में जो भाजपा की बढ़त दिखाई दे रही थी वो और आगे बढ़ी है। पंजाब में कांग्रेस ने बाजी मारी है और गोवा और मणिपुर अभी भी कश्मकश का मुकाबला है। हालांकि गोवा और मणिपुर दोनों ही राज्यों में कुछ कुछ कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच ताजा जानकारी यह भी है कि तीनों ही प्रमुख दलों के नेताओं ने पत्रकार वार्ताएं की हैं। सबसे पहली पत्रकार वार्ता मायावती ने बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, जिन्होंने अपने इर्द गिर्द एक मायालोक रचा, एक मायाजाल रचा, पत्थर की प्रतिमाओं से उत्तर प्रदेश को अपने राज्य में बांट दिया। उनके लोक शासन और लोक व्यवहार की भी खूब बातें हुई और यह बात हुई कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारों के बीच लगातार फेरबदल होता रहा उत्तर प्रदेश में, क्या 2017 में एक बार फिर वो होगा? वो नहीं हुआ, बल्कि बहुजन समाजवादी पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई और अब दिखाई दे रहा है कि आंदोलन की कोख से उठी ये पार्टी कहीं अपने अंतिम चरणों की ओर तो नहीं है। कांशीराम ने जो पुण्य कमाया था, दलितों को आगे लाकर जो राजनीति की थी, जो आंदोलन खड़ा किया था, उसकी मलाई खाते हुए मायावती मुख्यमंत्री बनी, शासन किया, दो बार आई सत्ता में और उसके बाद उनका जो तिलस्म था वो उनसे भी बड़ा होता चला गया। लेकिन इस चुनाव की करारी हार से बौखलाई मायावती ने अपनी पत्रकार वार्ता में कहा कि ईवीएम मशीनों में खराबी के कारण ये हुआ है, ईवीएम मशीनों में गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने अपनी एक पुरानी पत्रकार वार्ता का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि उस पत्रकार वार्ता में किसी पत्रकार ने यह कहा था कि मशीनों में गड़बड़ी है और कोई भी बटन दबाओ अमल नहीं करता है। मायावती जी से सवाल पूछा जाना चाहिए था, अगर ऐसा हुआ तो पहले ऐसा बिहार में क्यों नहीं हुआ? अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते थे तो उन्होंने बिहार में ऐसा क्यों नहीं किया, दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं किया और अभी ताजा परिणामों में वो पंजाब में ऐसा करने में कामयाब क्यों नहीं हुए, गोवा में ऐसा करने में कामयाब क्यों नहीं हुए, मणिपुर में उन्होंने ऐसी प्रचंड विजय क्यों नहीं हासिल कर लिया? अगर ईवीएम को ही सब कुछ करना था तो वो इन राज्यों में भी करवा सकते थे। दूसरी पत्रकार वार्ता हुई अमित शाह की, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जिनको लेकर ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। कारण ये कि 2019 में उनका अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होगा तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी राजनीतिक पारी को और बड़ा कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ बने रह सकते हैं और अभी 19 तक वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों बने रह सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन इन अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने खुद आज एक पत्रकार वार्ता में कहा दिल्ली में कि उनके पास बहुत सारे काम है और उनके पास मुख्यमंत्री बनने के लिए अभी समय नहीं है तो वो नहीं बनेंगे। लेकिन कौन बनेगा ये कल मालूम पड़ पाएगा जब भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी। साथ ही अमित शाह ने यह भी भरोसा जताया कि वो गोवा और मणिपुर में भी सरकार बना लेंगे तो उनका मानना है कि 5 में से 4 राज्य भाजपा की झोली में आएंगे और उनका कहना यह था कि पंजाब में उनका वोट प्रतिशत अभी भी काफी अच्छा है, भले ही अकाली दल के साथ उनका जो गठबंधन था उसकी हार हुई है लेकिन इस हार की वो समीक्षा करेंगे। ये जरूर कहना होगा कि अमित शाह काफी शांत, स्थिर और इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी काफी सामान्य नजर आए। वहीं उसके बाद एक पत्रकार वार्ता भी अखिलेश यादव की, उन्होंने पत्रकारों के साथ हंसी मजाक, ठिठोली और तमाम चुटकुले कहते हुए ये जताने की कोशिश की कि इस जबरदस्त पराजय के बाद भी वो सामान्य बने हुए हैं। लेकिन ये साफ है कि इन हंसी के पीछे कहीं वो करारी हार के गम को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। दिन भर और इन पूरे चुनावों के दौरान जो दबाव उन्होंने सहा है उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इतनी बड़ी हार को वो फिर भी नहीं छुपा पा रहे थे। उन्होंने लखनऊ में विधानसभा के ठीक पास में एक लोक भवन बनाया था जहां मुख्यमंत्री कार्यालय बनवाया था और वो चाहते थे कि वहीं से वो प्रशासन करें। उनका लोक भवन, उनकी मेट्रो रेल, उनके द्वारा बनाया जा रहा हाईवे और तमाम अन्य परियोजनाएं ऐसे अधूरे सपने हैं जिनके ऊपर उनकी सत्ता की इमारत दोबारा खड़ी नहीं हो पाई। ये 3 बड़ी पत्रकार वार्ताएं हुई है। कांग्रेस की ओर से नेता जरूर टेलीविजन चैनलों पर बयानबाजी कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी सामने आकर अभी तक कोई बात नहीं कर पाए हैं।
मुद्दा यह है कि जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा है कि 2019 को भूल जाइए, अगर कोई बड़ा नेता नहीं आया जो भाजपा को चुनौती दे सके तो 2024 के बारे में सोचिए। लगता है कि बहुत गंभीर बात है, सारे राजनीतिक विश्लेषक इसी पर विचार कर रहे हैं। बहरहाल ताजा स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में 324 सीटों पर रुझान और परिणाम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी आगे। आप सोच सकते हैं कि 403 में से अगर 324 सीटें किसी दल के पास हैं, तो इसका मतलब जो भी कयास, जो अनुमान लगाए जा रहे थे, सत्ता के खिलाफ जो खदबदाहट थी, जो असंतोष था, उसको पढ़ने में सारे लोग सिरे से नाकामयाब रहे हैं। यहां तक कि एग्जिट पोल में भी अधिकतम 295 सीटों का अंदाजा लगाया गया था, लेकिन 324 का आंकड़ा यही कहता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा बहुत कुछ चल रहा था जिसको पढ़ने में सभी लोग नाकामयाब रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ने सारे अनुमानों, कयासों और आकलनों को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस महाविजय को रखा है। समाजवादी पार्टी को आप देखिए 54 सीटों पर, मतलब जो सत्ता में थे इतने जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार चला रहे थे वो 54 सीटों पर, और बहुजन समाजवादी पार्टी 20, और कांग्रेस आप सोच कर देखिए कि कांग्रेस पार्टी जिसे 28 सीटें मिली थी वो 7 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वो कांग्रेस जिसे 1980 में 309 सीटें मिली थी, 309 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी अगर आज 7 सीटों पर है तो अब उनके लिए आत्ममंथन का दौर भी जा चुका है। आत्ममंथन से आगे जाकर उनको ये सोचना होगा कि कांग्रेस की हालत क्यों हुई, क्या बार बार राहुल गांधी को आगे कर देने भर से, उनको चुनाव प्रचार में झोंक देने भर से, प्रियंका गांधी के कार्ड को छुपाते रहने से और सोनिया गांधी की निष्क्रियता के बावजूद कांग्रेस क्या वही कांग्रेस बनी रहेगी जो इतने सालों इस देश पर राज करती आई है। ये अब आत्ममंथन से आगे का दौर है, अब तो निर्णायक कदम उठाने होंगे। खुद दिग्विजय सिंह कहते हैं कि सर्जरी करनी होगी, बदलाव करना होगा, तो बदलाव किस में करना होगा, इस सवाल का जवाब वो ही दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। पंजाब में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बन रही है, नवजोत सिंह सिद्धू बहुत खुश होंगे कि उन्होंने ऐसी पार्टी को एक वक्त पर चुन लिया जिसकी सरकार बनने जा रही है, उनको उनकी पत्नी को निश्चित तौर पर इससे लाभ मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रही है, अभी 57 सीटों पर रुझान और परिणाम मिलाकर वो आगे है। कांग्रेस को केवल 11 सीटें हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मणिपुर में अभी भी 21 और 25 का मामला है, लेकिन कांग्रेस को चूंकि 25 सीटों है बढ़त और रुझान मिलाकर, तो लगता है कि यहाँ कांग्रेस थोड़ी आगे है। वहीं पर गोवा में अभी भी 14-15 के साथ मुकाबला थोड़ा कांटे का है। मणिपुर और गोवा जो कि सबसे कम सीटों वाले राज्य थे दोनों ही, इतनी कम सीटों के बावजूद भी यही सबसे देर लग रही है बात को समझने में, क्योंकि सीटें भी कम है तो मुकाबला भी बहुत करीबी चल रहा है। दूसरी जो बड़ी सीटों वाली विधानसभाएं थी वहां पर परिणाम लगभग स्पष्ट है, लेकिन सारे परिणाम अभी भी घोषित नहीं हुए हैं। शाम को देर रात तक जब भी सारे परिणाम निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किए जाएंगे उसकी सूचना, उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हम आपसे ये जरूर जानना चाहते हैं कि हमारा चुनाव परिणामों को इस तरीके से आप तक पहुंचाने का ये प्रयोग आपको कैसा लगा। वेब दुनिया जिसने लगातार वेब माध्यम पर, डिजिटल माध्यम पर नवाचार किया है, नए प्रयोग किए हैं, अभिनव प्रयोग किए हैं, उनकी कोशिश, हमारी कोशिश, किस तरह के समाचार आपको अच्छे लगते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वेब दुनिया के माध्यम से इसी तरीके से हम आपसे लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।